सो फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के आए हुए फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू की डिटेल्स की, जिसे ऑफिशियली सभी के लिए 12 दिसंबर को पब्लिश कर दिया जाएगा कि सारे के सारे क्रिटिक्स की राय इस फिल्म को लेकर क्या है। लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ये रिएक्शन हमें पूरी तरीके से फिल्म के तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसके पीछे का रीजन यही है कि सोनी वालों की तरफ से इन सभी के सभी क्रिटिक्स को नो डाउट स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म तो दिखाई गई ही है, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की ही। जी हां, 40 मिनट से ज्यादा उन्हें फिल्म बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई, जिस कारण से क्रिटिक्स भी श्योर नहीं है इस फिल्म के सरप्राइज को लेकर, जो उनके सामने बिल्कुल भी रिवील नहीं किए गए। लेकिन फिर भी उनकी राय इस फिल्म के 40 मिनट को लेकर जो भी रहेगी, उसका पता तो हमें सीधे 12 दिसंबर को ही चलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। जिसके फुल रिएक्शन रिव्यू की डिटेल मैं आपको अपने मेन चैनल पर दे दूंगा। लेकिन यहां पर टॉम हॉलैंड की तरफ से एक और डिटेल भी कंफर्म की गई है, यानी कि उनके भाई हैरी हॉलैंड के अपीयरेंस की, जो कैरेक्टर हमें फिल्म में थीफ का दिखाया जाने वाला था और वो सीन इंटरनेट पर लीक भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेट अब उस सीन को सोनी वालों की तरफ से फिल्म से निकाल दिया गया है, जिसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन फिलहाल तो अभी के लिए एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन हाँ, टॉम हॉलैंड की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वो सीन फिल्म में बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी बात रही फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन की, तो उससे कहीं ना कहीं ये डाउट भी होता है कि सोनी वाले ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि फिल्म की पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी ना कम हो, जिस बात पर मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि इसके पहले सोनी पिक्चर से लेकर एमसीयू की भी बड़ी बड़ी फिल्मों की प्रेस स्क्रीनिंग हुई थी, तो उसकी कई सारी डिटेल्स को पहले ही स्पॉइल कर दिया गया था वार्निंग देने के बावजूद भी, जिस कारण से फैंस का एक्सपीरियंस खराब होता है। और शायद से सोनी पिक्चर्स वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस बार फैंस का एक्सपीरियंस खराब हो इस फिल्म के स्पॉइलर को लेकर। और दूसरा डाउट ये भी होता है कि सोनी वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फैंस को ये बात पता चले कि फिल्म में दोनों स्पाइडरमैन बिल्कुल भी नहीं है, इससे फिल्म की मार्केटिंग पर बहुत ही बुरा असर होगा, और हाँ, फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी, अगर ये रूमर सच निकलती है तो ही, जिसके सच होने के चांसेस तो मुझे काफी ज्यादा कम लगते हैं, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन तो ऑलरेडी ही दे दी गई है कि फिल्म में एंड्रू गारफील्ड से लेकर टॉबी मैग्वायर का कैमियो कितना बड़ा होगा। इसलिए दूसरा रीजन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो फिलहाल तो फैंस की तरफ से सोचा जा रहा है, इसलिए पहले रीजन पर ही रहते हैं, जो काफी जेन्युइन भी लग रहा है, जिस बारे में आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।